जीएनएफसी, जीएनएफसी पे क्या राय है? देखिए वैसे तो स्टॉक काफी अगर इनके पास है ऑलरेडी तो होल्ड की सलाह रहेगी, क्योंकि तो ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई के आसपास से स्टॉक चल रहा है, कोई ज्यादा करेक्शन के आसार नहीं स्टॉक में चार्ट को देखते हुए। और यहाँ पे तो कह देखिए ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है और इनके पास रहेगा तो होल्ड की सलाह रहेगी, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। वो इसलिए रिस्की रहेगा क्योंकि आपको नया रिस्क रिवॉर्ड के फेवरेबल सेटअप पे नहीं है, और ये स्टॉक आप एंट्री किया जा सकता है जब ये इसमें अगर होल्ड करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो चार्ट के ऊपर दिख रहे थे 700 का काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो अगर वो 700 के ऊपर आ जाता है तो वहां पर ये बाइंग का सोच सकते हैं। और अगर वो 700 की लेवल भी ब्रेक होती है और निफ्टी के कारण अगर करेक्शन बड़ा आगे जाके, तो ये 650 से लेकर 600 ये तो बेस्ट प्राइस रहेगी इसमें वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर इनके पास ऑलरेडी है तो पूरी तरह से होल्ड की सलाह, लेकिन अगर ये बाय करना चाहते हैं तो इनको सपोर्ट जो मैंने मेंशन किया 700 का, सेकंड है 650 का, वहां पे वेट करना चाहिए, नया पोजीशन ऐड करने के लिए। तो ये रहे जीएनएफसी पे, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नई पोजीशन के लिए अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है, एक बड़ी तेजी के साथ भाग चुका है, तो इसलिए कहीं ना कहीं नई एंट्री के लिए अवॉइड। और एग्जिस्टिंग, और उस पे अगर मैं एक ऐड करूँ कि थम रूल जो हमें बहुत सारे एनालिस्ट ने सिखाया हुआ है वो ये है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, अनचार्टेड टेरिटरी में है। एक दो हफ्ते पहले का जो लो था, क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग का लो, शायद वो सबसे एक अच्छा स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस का काम करता है, तो वो देखते हुए आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है। अनचार्टेड टेरिटरी में ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है।